दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका कैरियर प्लस चैनल में। साथ में जो आपने देखा यहाँ पे अमरोहा और उन्नाव की तरफ से जो ये भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया गया है, तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर जो है ये भर्ती कहाँ पर निकाली गई है, आपके कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय के अंतर्गत जो संविदा पर भर्ती निकाली गई है, जिसकी अंतिम तिथि यहाँ पर देख लीजिए 14 फरवरी ये 14 फरवरी 2023 से ही रखे जा रहे थे। यहाँ पर 13 कस्तूरबा गांधी यहाँ पर जो है ये हैं, और यह है इसकी अंतिम तिथि 22 फरवरी 2024 को शाम के 5 बजे तक इसका फॉर्म आपका जो है पड़ जाना चाहिए, ठीक है। और आपको ये फॉर्म कहाँ से मिलेगा, ऑफिशियल वेबसाइट ये रहा, ठीक है, www.unnao.nic.in पर जाके जो है आप ये जो है डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर जो है बहुत से कहेंगे सर इसके अंदर वैकेंसी कौन कौन सी है, वैकेंसी सारे जो है आप सभी जानते हैं कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में कौन कौन सी वैकेंसी होती है। लेखाकार की होती है, मुख्य रसोईया की होती है, चौकीदार की होती है, चपरासी की होती है, ये सारी वैकेंसी होती है सभी जो है कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में। जिसकी सैलरी की बात करेंगे यहाँ पर जो है ये 11,000 रुपये मिलती है लेखाकार को, इसके बाद 6,900 रुपये मुख्य रसोईया को, चौकीदार को 5,750 रुपये और चपरासी को 5,750 रुपये जो मिलते हैं। बात करेंगे वहीं पर जो है ये टीचर की वैकेंसी में कितनी सैलरी मिलती है, 22,000 रुपये, और कंप्यूटर के आपको टीचर की जो है अंशकालीन होते हैं 9,800 रुपये। ये कहाँ से निकाली गई है, आपके जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अमरोहा की तरफ से, और वो उन्नाव की तरफ से भर्ती आ चुकी है। मैंने आपको बोला था इसकी अंतिम तिथि आपको है 18 फरवरी 2024 को जो है 5 बजे तक जमा कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर जो है ये विज्ञप्ति जारी कर दी गई, यहाँ पर जो है ये साथ में जो है ऑफिशियल वेबसाइट ये दे रखी है, यहाँ पर जाके फॉर्म भर दीजिएगा, amroha.nic.in पर जाके यहाँ फॉर्म आप ये जो है वो भर सकते हैं। और अगर आपने फॉर्म नहीं भरा तो भर दीजिए, आज रात 12 बजे तक का डेट है इसमें। अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम की तरफ से MTS आप सभी जानते हैं ग्रुप डी की नौकरी होती है, जिसकी क्वालिफिकेशन की बात करेंगे 10th क्लास बस केवल आपके पास होना चाहिए, बस केवल 10th क्लास पास हो, फेल ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये SSC की तरफ से, SSC मतलब वो नहीं है, मतलब 10th क्लास, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीटास्किंग स्टाफ MTS की भर्ती होती है, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर जो है ये बहुत सकेंगे। सैलरी कितनी मिलेगी हमको जो है 12,000 रुपये सैलरी इसमें दी जाएगी। एज लिमिट की बात करेंगे तो 18 से 40 वर्ष तक एज लिमिट है, पर यहाँ छूट वाली जो होती है तो यहाँ पे 45 साल तक दे देते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जो है ये लखनऊ जनपद लखनऊ से उत्तर प्रदेश में वैकेंसी आ चुकी है यहाँ पर जो है ये, और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पर जो है ये डाटा एंट्री ऑपरेटर, ये सारी वैकेंसी कहाँ मिलेगी आपको, सेवा योजना कार्यालय के पोर्टल पर जाना है और वहीं से जाके यहाँ फॉर्म आप ये भर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर जो है ये साथ में जो है लखनऊ की तरफ से, जनपद लखनऊ की तरफ से उत्तर प्रदेश में वैकेंसी आई है, यहाँ पर जो है ये 15,000 रुपये यहाँ पर सैलरी इसमें मिलेगी। यहाँ पर अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम की तरफ से जो असिस्टेंट मैनेजर प्लानिंग होता है, ठीक है, तो यहाँ पर भर्ती आ चुकी है, यहाँ पर जो ग्रेजुएट पास वाले इसमें आवेदन कर सकते हैं। बात करें यहाँ सैलरी की, सैलरी यहाँ पर 26,000 रुपये इसमें दी जाएगी, यहाँ पर जो है ये है 21 से 45 तक इसमें एज लिमिट है इसमें ये, और ये भी जो है वो लखनऊ की तरफ से जारी हो चुका है इसका विज्ञापन। लास्ट बचाइए आपका जो है ये है ना डिपार्टमेंट वही है जो मैंने थंबनेल में आपको लिखा है, टैली इसमें अकाउंटेंट की है, ग्रेजुएट वाले हैं इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी यहाँ पर 19,000 रुपये इसमें दी जाएगी, यहाँ पर जो है ये लखनऊ से भर्ती आ चुकी है, सारी भर्तियाँ सेवा योजना कार्यालय के पोर्टल पर जाना है और वहीं से जाके ये फॉर्म आप ही जो है वो भर सकते हैं। साथ में जो आपने दिखा हुआ यहाँ पर जो है ये सिक्योरिटी गार्ड के पदों पर जो वैकेंसी आई है उसकी अंतिम तारीख आज है, अगर आपने फॉर्म नहीं भरा भर दीजिए। ये जो है माध्यमिक शिक्षा विभाग की तरफ से जो भर्ती निकाली, इंटर कॉलेज के अंतर्गत जो शिक्षा विभाग होते हैं, शिक्षा विभाग के अंतर्गत इंटर कॉलेज होते हैं, तो वहाँ पर भर्ती आ गई है। तो अगर आपने फॉर्म नहीं भरा आज इसकी लास्ट डेट है, फॉर्म भर दीजिए, 12 बजे तक फॉर्म इसमें भर सकते हैं। बात करें यहाँ पर लैब अटेंडेंट की भर्ती, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण की तरफ से जो है भर्ती आ चुकी है, 16 फरवरी 2024 में अंतिम तिथि है और 11,303 रुपये में सैलरी इसमें मिलेगी। फॉर्म ऐसे ही आपको भरना है, सेवा योजना कार्यालय के पोर्टल पर जाना है और जाने के बाद यहाँ पर भर सकते हैं फॉर्म ये, और इसमें स्टार्ट हो चुके हैं, यहाँ पर आवेदन स्टार्ट होने वाले हैं, ठीक है, 15 घंटे के बाद इसमें आवेदन हो जाएंगे स्टार्ट, ठीक है। बात करेंगे यहाँ पर जो ASO की भर्ती के लिए, तो यहाँ पर लड़कों ने हंगामा करा था UP SSC की तरफ से, इनका रिजल्ट बहुत जल्द आ रहा है, फाइनल रिजल्ट बन के तैयार है। मैंने आपको बोला था अभी कुछ रिजल्ट फंसे हुए थे, इन्होंने हंगामा ही करा था यहाँ पर जो है ये बैनर तले आज हैं, तो यहाँ पर भर्ती का विज्ञापन बहुत जल्द इसमें जो है सॉरी रिजल्ट बहुत जल्द इसमें आया, तो जो अधिकारी के द्वारा जो जानकारी प्राप्त हुई है बहुत जल्द इसमें जो है वो रिजल्ट इसमें आ रहा है।
बात करेंगे आप जो है ये आपका अशासकीय सहायता प्राप्त जो इंटर कॉलेज होते हैं है ना, तो ये आपका चपरासी है, चौकीदार है, सफाई कर्मचारी, जो भर्ती निकाली गई थी उसमें कुछ को ज्वाइनिंग हुई है और कुछ की नहीं हुई है। कुछ डिमांड कर रहे हैं कि रुपयों की, रुपया 80,000 रुपये किसी से ले रहे हैं, किसी से 2 लाख रुपये ले रहे हैं यहाँ पर जो है। और आपको यदि विश्वास नहीं आता तो यहाँ पर भी आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर जो लिखा हुआ सर इंटरव्यू के लिए जो है 85,000 रुपये जो है मांगे जा रहे हैं, ठीक है। और उन्होंने कहा है कि उन्नाव से हूँ सर मैं, प्लीज़ ये वे आप बात कर रही है, इसमें बात चली चपरासी भर्ती की। तो मैंने कहा किसी को जो है पैसे वैसे देने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही काम हो जाएगा आपका, ठीक है, क्योंकि जानकारी मिली अपने आप भर्ती करेंगे। तो यहाँ पे इंटर कॉलेज के अंतर्गत जो आपकी क्लर्क भर्ती है उसकी अपडेट भी वही है, ये भी कोर्ट केस आपने चल रहा था, आपने देखा होगा यहाँ पर जो है ये है ना, तो ये जो है बिना पैट के भर्ती करना चाह रहे थे, ठीक है। इस तरीके से कोर्ट में जो है बैटर फंसा हुआ है ये, और जानकारी यही प्राप्त हो रही है जो पुरानी वाली जो क्लर्क भर्ती है आपकी उसमें जो है आपको ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा इलेक्शन से पहले पहले, पहले आपका टाइपिंग कराया जाएगा, फिर जो है आपका जो है टाइपिंग के बाद आपका जो है इसमें जो है आपको इंटरव्यू करा के ज्वाइनिंग लेटर आपको इसमें मिल जाएगा, है ना। आप देखते हैं, अगर मैं आपको बता रहा हूँ, अगर जो है इसमें फरवरी के लास्ट तक काम अगर हो गया, लास्ट तक अगर काम हो गया तो हो गया, फिर आप जानते हैं फिर इलेक्शन आ जाएगा, आचार संहिता लग जाएगी, फिर इसमें कुछ नहीं होने वाला, आप सभी जानते हैं यहाँ पर जो है। तभी तो लड़के इसमें कह देते हैं कि इसमें भाषण नहीं रोज़गार चाहिए हमको, वही चीज़ मैं आपसे कह रहा हूँ यहाँ पर जो है बताना चाहूँगा। यहाँ पर जो है ये दोपहर के वीडियो में देख लीजिए, अगर आपने कंडक्टर भर्ती का फॉर्म भरा है तो दोपहर में वीडियो पे मैंने अपलोड कर दिया था, पूरा लिस्ट दिखाया है ना, 8 मिनट का वीडियो पूरा लिस्ट मैंने हल्का हल्का स्क्रॉल डाउन करके दिखाया, ये आपका नाम जरूर होगा, ये वाला देखिए देख लीजिए, उसका रिजल्ट आ चुका है ये है ना। और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर जो है यहाँ पर लिखा हुआ सर मेरे पास तो कोई कॉल वगैरह नहीं आया, आ जाएगा, अपना जो है मेल चेक कर लीजिएगा है ना, मेल पर डाला होगा आप देख लीजिए यहाँ पर जो है ये है ना मेल पर आया होगा, इसमें आप लिखा ये प्रसिद्ध की तरफ से MTS की भर्ती है, उसका रिजल्ट कब आएगा, पर अभी जो MTS का आ चुका है उसका जो MT इसमें कंडक्टर भर्ती का आ गया है रिजल्ट, उसका भी आने वाला होगा, ठीक है। बता रहे हैं कि इसमें जो है ये बिजनौर में कब आएगा आपदा पे मित्र भर्ती का फॉर्म, बिजनौर में निकाले जाएंगे ऐसी बात नहीं है, यहाँ पर नरेटा आपका जो है नेटवर्क बिजनौर में है, बिजनौर में नेटवर्क के आसपास वैकेंसी निकाली गई थी मेरे को ध्यान है, क्योंकि अभी पीछे निकाली गई थी, आपने शायद फॉर्म नहीं भरा होगा, मेरा वीडियो नहीं देखा होगा। मुरादाबाद में कंडक्टर भर्ती का मेल आया है सर, जिसमें 11 फरवरी इंटरव्यू डेट थी और जो है बट फिर जो है कल की डेट 8 फरवरी, कोई कैसे जाएगा, सही बात, ये सब लेने देने के वो होते हैं, इनके तरीके होते हैं, फंडे होते हैं कि बच्चा नहीं आएगा तो कॉल करेगा कि साहब ले देगा काम कर लीजिए, पर ऐसा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है आपको, मैं आप बता रहा हूँ इसमें जो है कानपुर से जो है कब आ रही है वैकेंसी, कानपुर देहात कानपुर नगर दोनों से आएगी, ऐसी बात नहीं है यहाँ पर जो है। तो यही बात मेरे को बतानी थी, अगर चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल करें प्लस, थैंक यू वेरी मच।